हाय गाइस, मैं हूं फराह। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्किन केयर टिप्स शेयर करूंगी, जी हां, जिसे अपना करके आपकी एक्ने पिंपल की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी हां, क्योंकि हम औरतों की चाहत होती है कि हम हमेशा खूबसूरत दिखें, और इस खूबसूरती को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं हम। कुछ बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट टीवी में एड्स वगैरह देख कर खरीद लेते हैं, और बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं अपनी स्किन को अच्छी दिखाने के लिए। कि इसके बदले क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है बहुत ख़राब हो जाती है, हमारी स्किन पर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं लोगों के साथ जो स्किन केयर टिप्स शेयर करूंगी, उस स्किन टिप्स को अपना करके आप अपने लाइफ को बिल्कुल बदल सकते हैं। आपकी जो एक्ने पिंपल की जो प्रॉब्लम है वो जल्द से खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो इस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरे वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा स्किन केयर टिप्स नंबर वन है वो है, तो जी हाँ दोस्तों, जो मेरा टिप नंबर वन है वो ये है, एक्सपर्ट की एडवाइस लिए बिना कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ ना करें। जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर हमारी जो आदत होती है, हम टीवी में एड्स वगैरह देख करके कोई सा भी क्रीम या कोई सा भी स्किन केयर प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी स्किन को सूट करेगा कि नहीं, या उसमें जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी या जो फॉर्मूले से मिलकर के वो बना है वो हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्या कुछ भी नहीं, बिना पैच टेस्ट किए बिना अपने स्किन टोन को जाने हम कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, बाद में क्या होता है वो हमारे स्किन को सूट नहीं करता और एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अक्सर तो इस तरीके के प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अगर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप मोस्टली आप खुद चेक करें कि वो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री है कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेकर के स्किन केयर प्रोडक्ट को चूज करें, उससे क्या होगा आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, तो ये मेरा टिप नंबर वन था। टिप नंबर टू है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जी हाँ, वैसे भी गर्मियों का दिन आ गया है तो जितना हो सके हमें हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी कहा जाता है कि हमें कम से कम 10 ग्लास पानी तो पर डे पीना ही चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है आपकी मतलब आपका जो फेस है वो ग्लो करे, साथ में पिंपल एक्ने से बिल्कुल फ्री रहे जो स्किन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन होते हैं वो रिलीव होते हैं, आपकी स्किन पर ग्लो आता है। तो जी हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है पिंपल फ्री स्किन के लिए। जो टिप नंबर थर्ड है वो मेरा ये है कि मेकअप टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मेकअप ब्रश, आजकल तो ब्यूटी ब्लेंडर जो चले, तो उसको जितना हो सके क्लीन रखिए। जब भी आप यूज़ करें उससे साफ करके फिर रखिए, तो अक्सर क्या होता है हम गंदे ब्रश यूज़ कर लेते तो उससे क्या होता है कि हमारे स्किन पे बैक्टीरिया से हो जाते हैं, मतलब एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है जो हमें बहुत ज़्यादा फिर बाद में प्रॉब्लम करती है। तो अगर आप एक्ने अपने जो मेकअप टूल्स उसको साफ नहीं रखते तो आपके ये जो स्किन की जो प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल की वो लगी रहेगी। तो आप जब भी ब्रश यूज़ करें हम ये श्योर कर लें कि आपका जो ब्रश है वो साफ होना चाहिए। तो टिप नंबर फोर जो मेरी वो है, गंदे हाथों से बार बार अपने फेस को टच करना। जी हाँ, हमारी आदत होती है कि हम बाहर से अक्सर आते हैं या घर में भी होते हैं तो हमारे हाथ गंदे होते हैं, तो हम बिना हाथों को साफ किए ऐसे अपने फेस को टच कर लेते हैं, तो हमारे हाथों के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फेस पर फैल जाते हैं जो एक्ने पिंपल का वजह बनते हैं। तो इस वजह से भी अक्सर में एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने हाथों को जब भी चेक करें, जब भी अपने फेस को छुए आपके जो हाथ हो वो क्लीन होना चाहिए। तो टिप नंबर फाइव जो मेरी है, फेस को क्लीन कर रखना। जी हाँ, हमें अपने फेस को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप CTM ज़रूर करें दिन भर में दो बार, इवनिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। जी हाँ, अगर आप बाहर जाते हो तो दिन भर में दो बार क्लीनिंग करनी मस्ट है। आप कुछ भी हो, कितने भी थके हो, आप क्लीनिंग बिल्कुल करनी चाहिए आपको। आई मीन क्लीनिंग CTM जो होता है स्किन केयर रूटीन, उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो ये जो मेरा टिप नंबर जो सिक्स है वो है, अच्छी नींद लेना। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपके जो स्किन है ग्लो करे, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे, आपके जो डार्क सर्कल हैं या जो जितने भी तरीके की स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हमें 6 से 8 घंटे की मैक्सिमम नींद, जिसे बोले मैक्सिमम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी स्किन के जो होती है बहुत ज़्यादा बेहतर फील करती है। तो आपको अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे तो उसके लिए आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। जो टिप नंबर सेवन वो है, हम अक्सर जब पिंपल हमें होता है तो हमारी क्या आदत है, बार बार उसे टच करते हैं, उसे छूते हैं, उसे दबाते हैं, उससे क्या होता है जो पिंपल की जो प्रॉब्लम होती है वो पूरे फेस पे फैल जाती है। आप देखेंगे एक पिंपल होता है, उसके बाद दूसरा पिंपल होता है, फिर तीसरा पिंपल, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उसे टच करते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं वो चारों तरफ फैल से जाते हैं। तो जब भी आपको पिंपल हो आपको उसे टच नहीं करना, आपको बार बार उसे दबाना नहीं है। जैसे पिंपल है, अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो आपको मैं कुछ टिप अपने पर्सनल अपने एडवाइस की तरफ से दूंगी या पर्सनल जो मुझे एक्सपीरियंस के साथ बता दूँ, तो मेरी कुछ टिप्स, अगर आपको पिंपल है जैसे गर्मियों का दिन है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सैंडल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब जल में चंदन पाउडर को मिक्स करके लगाएं, उससे क्या आपको ठंडक भी मिलेगी और आपको बार बार छूने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक टिप नंबर ये मेरी दूसरी, आपको अगर पिंपल हो तो आप टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं वहाँ पर, उससे आपको बहुत ज़्यादा कामिंग इफेक्ट मिलेगा, बिल्कुल भी आपको जलन भी एहसास नहीं होगी।
आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी हल्दी ले सकते हैं दूध में, मैं थोड़ा सा एक चम्मच दूध उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके इसका गाढ़ा पेस्ट बना करके अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कुछ पहले वो सूख जाएंगे, साथ में आपके जो निशान है वो भी खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये मेरी कुछ पर्सनल टिप्स है जो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ पिंपल के होने पर। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो उसके यूज़ करने से आपके पिंपल सूखेंगे भी, साथ में स्पॉट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरे कुछ स्किन केयर टिप्स है, जिसे बोलो समर स्किन केयर टिप्स है, जिसे आप यूज़ करके इस गर्मियों में अपने पिंपल्स को दूर रख सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।